आज हमारे पास ऑल न्यू XUV 300 जो कि हमारे पास डायरेक्ट आई है शोरूम से। नंबर भी इसका अभी आया ही नहीं है, अप्लाई फॉर पे है। स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। फ्रंट का ABS गार्ड इसके अंदर हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया, जो गाड़ी की लुक भी अच्छी कर रहा है और एज़ वेल एज़ कई हद तक अभी गाड़ी को प्रोटेक्ट भी यहाँ पे करेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा ऑटोमैक्स के बारे में। ऑटोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है और उससे मैं जो हूँ लास्ट 1.5 साल से जुड़ा भी हूँ, ठीक है। मैं अपने सारे चार्जर्स हॉर्न वगैरह ऑटोमैक्स के यूज़ करता हूँ और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ माइक्रो फाइबर कोच ऑटोमैक्स का, जो कि डुअल साइडेड है। काफ़ी अच्छा इसका फैब्रिक है, जो कि काफ़ी हद तक पानी वगैरह हर एक चीज़ सोख लेता है। मैं आपको सिंपल जो है क्लीन लेके दिखाता हूँ अपनी गाड़ी पर, जो भी डस्ट है सारी उठा लेता है, तो सारी डस्ट उठा लेता है। और सबसे बड़ी बात, फाइबर टॉवल यूज़ करने के फ़ायदे ये रहते हैं कि कई बार क्या होता है गाड़ी में ना सोल मार्क्स नहीं पड़ते हैं। मतलब आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर डलनेस आ जाती है, सोल मार्क्स आ जाते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे अपने माइक्रो फाइबर टॉवल से अवॉइड हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये माइक्रो फाइबर टॉवल हो तो आप अपने नियरेस्ट डीलर से इसकी डिमांड कर सकते हैं ऑटोमैक्स के माइक्रो फाइबर टॉवल की, भाई बहुत अमेजिंग चीज़ है। हेडलैम्प की बात करें, हेडलैम्प हमने इसके अंदर जो है हेडलैम्प के अंदर हमने HID यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है। और जिन भाइयों को हमारे हेडलैम्प अगर टॉप मॉडल के चाहिए वो भी अवेलेबल हैं, DRL वाले प्रॉपर वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। फॉग लैंप्स भी भैया के ऑलरेडी लगे हुए थे, बट हमारे पास ये चीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल होती है। उसके बाद बात करते हैं हुड की, तो यहाँ पे डैम्पिंग हमने पूरे में करी है फ्रंट में, ज़बरदस्त 3M की डैम्पिंग है। ये 3M की डैम्पिंग आपको दिख रहा होगा, 3M ये 3M की पूरी अंडर हुड डैम्पिंग भी यहाँ पे की गई है। नॉइस कैंसिलेशन में पूरा पूरा काम यहाँ पे किया। और वहीं अगर आपको बात करूँ इसके डैम्पिंग की, डैम्पिंग डायरेक्ट मत करवाना, ये भैया कवर लगाएंगे, अब इसके नीचे इसके ऊपर आएगा ये कवर, इसके ऊपर ये कवर भी लग जाएगा, तब इसके आगे पूरी सेफ्टी यहाँ पे इसकी प्रॉपरली हो जाएगी। और 3M की डैम्पिंग है, ट्रस्टेड आपका आपका भी और हमारा भी है। साइड प्रोफाइल की बात करें, लो यहाँ पे लोअर विंडो गार्निश हो गई, रेन वाइजर हो गया, क्रोम आइटम काफ़ी सारा गाड़ी के अंदर लगा है, व्हील कैप भी यहाँ पे लगाई गई है जो कि महिंद्रा बैजिंग के साथ आपको मिलती है। उसके बाद बात करें रेयर प्रोफाइल की, बात करें यहाँ पे आपको मिलता है कैमरा, इसके आगे मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे कि रेयर पे ना डिफ्यूज़र भी लगाया गाड़ी के अंदर, यहाँ पे डिफ्यूज़र गाड़ी के अंदर लगाया जो ABS में है और गाड़ी की लुक भी एक नंबर यहाँ बना देगा। और एज वेल एज रिफ्लेक्टर्स इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं दोनों तरफ, जो कि पूरे प्रॉपर मैट्रिक्स में भी है। यहाँ हमारे भैया लगा रहे हैं इसके अंदर मड फ्लैक्स, जिससे मिट्टी जो है जैसे आ रही है ना पीछे आ रही है, ऐसे नहीं आएगी अब, ठीक है। ये तो हो गया हमारे एक्सटीरियर की बात। इंटीरियर पर अगर आपको लेके चलूँ यहाँ पे, तो इंटीरियर पे हमारा काफ़ी सारा काम यहाँ पे हो चुका है गाड़ी के अंदर, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले डैम्पिंग हुई है 3M की पूरी मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ कि डैम्पिंग के आपको यहाँ पे फ़ायदे क्या रहेंगे। देखो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको यहाँ पे डैम्पिंग का दिखेगा, और डैम्पिंग अपनी है प्रॉपर 3M की, ठीक है। उसके बाद बात करें कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स को डायरेक्ट नहीं लगाए गए, प्रॉपर वे में लगाए गए। पहले इसके अंदर हमने वुडन लगाया जिसमें कि कंपोनेंट फिट हुआ है, और उसके नीचे जो हमने ये लगाया है इसकी जो रबर होता है बेसिकली, कल को अगर खुदा ना खास्ता पानी आता कुछ भी आता है, कंपोनेंट आपका पूरा सेफ और एज वेल एज प्रोटेक्शन पूरी रहेगी, ग्रिप पूरी बनी रहेगी। ये तो हो गए हमारे कंपोनेंट्स की बात। इसके हमारे वो कहाँ लगाया अभी हमने ट्विटर्स की प्लेस पर हमने ओरिजिनल की जगह पर लगाया है, OEM की जगह पे फिटमेंट दी है पूरी प्रॉपर। और एक बात और, गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा ये पार्ट कुछ ऐसा आता ही नहीं है, तो ये कार्बन फाइबर में हमने पूरा रेडी करके इस पर लगाया है, पूरी फिटमेंट देख लो एकदम प्रॉपर, कोई 19 कोई 20 नहीं, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे काम हुआ। और अगर आप में से कई भाई लोगों के पास बेस मॉडल है ना, तो ये पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है पूरी प्रॉपर डैम्पिंग कर दी है, और एज वेल एज यहाँ पे भी रिंग लगाई गई है, रबर लगाया गया है प्रॉपर इन्फिनिटी का, हमने कोएक्सल स्पीकर यहाँ पे इंस्टॉल किया। इंटीरियर की बात करें, यहाँ पे पार्सल ट्रे आप लोगों को दिख रही है, ये भी हमने जो है इसके अंदर प्रॉपर लगाई है, ये भी पूरी महिंद्रा OEM है एकदम, ठीक है। सारी चीज़ें मैक्सिमम इसके अंदर महिंद्रा जेन्युइन लगाई जाएगी, ठीक है। फ्लोर देख लो, पहले तो फ्लोर में पूरी लेदर मैट फ्लोरिंग की जा रही है, ज़बरदस्त। मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये नीड है आज के टाइम की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी और इसकी नीड भी हमको रहती है। एज़ वेल एज़ बात करें फ्रंट प्रोफाइल पर आते हैं अगेन हम गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दिलीप भैया दिखा रहे हैं कि ये दिखा दो भैया, सॉरी ये देखो ये कार्बन फाइबर है, मैंने पूरा लगाया है इसके अंदर, जो कि एकदम गाड़ी के लुक को इनहेंस कर रहा है। ब्लैक के साथ कार्बन फाइबर पूरा बहुत मैच कर रहा है, और एज़ वेल एज़ यहाँ पे सेंटर में भैया बता रहे हैं यहाँ भी लगाए, देखो कितना अच्छा लग रहा है यार। मतलब सिंपल सोबर से काफ़ी ज़्यादा हटके है, और ब्लैक के साथ टू मैच है, और साथ साथ आप देख पाएंगे पूरा सेंटर कंसोल यहाँ पे नया डला है, OEM में पूरा नया डला है। ये भैया भी इसकी फिटमेंट ही कर रहे हैं, देखो अंदर नट बोल्ट्स लगा रहे हैं, तो ये भी पूरा इसके अंदर जो है डाला गया है कंसोल के अंदर। यहाँ पे पूरे कार्बन फाइबर में आपको यहाँ पे सामान देखने के लिए मिलेगा, साथ में इसका गियर नॉब चेकआउट कर लो, एज वेल एज का
स्टीयरिंग बटन देख लो, पूरे इसके प्रॉपरली वर्किंग है। आई मैं आगे आपको दिखा दूंगा, जो कि आगे आपको दिख जाएगा। अभी स्टीयरिंग अपना स्ट्रेच हो रहा है, अंडर प्रोसेस है। रूफ लाइट अपनी लग गई है यहाँ पे, जो कि अभी लगनी बाकी, साइड से दिख रही होगी आपको, पूरी फिटमेंट नहीं हुई है, कनेक्शन वगैरह नहीं है, पैक होना बाकी है अभी। भैया हमारे आप क्या कर रहे हो भैया? सिस्टम पैक कर रहा था, सिस्टम लाइट लगाए हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल लगाए हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल, ठीक है। मैं आपको ना एक बार इसको तसल्ली से देख लूँ, भैया ने जिसमें आपको बताया था पूरा कवर करेंगे, तो यहाँ पे भैया ने इसका पूरा कवर यहाँ पे पूरा लगा दिया है, सेट करके। डैम्पिंग अंदर है, कवर बाहर है, सेफ्टी पूरी अपनी जगह पे हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। एक बार आपको ना इंटीरियर पे लेके चलता हूँ, एक इंटीरियर पे लेने से पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। ये गाड़ी के ऊपर रखा हुआ देख रहे हो, ये इसका सेंटर कंसोल है जो बेस मॉडल के अंदर आता है, और जो अब हमने इसके अंदर डाला है पूरा OEM में, जो भी काम चल रहा है ना, ये देखो ये उसकी हमारी पैकिंग है पूरी महिंद्रा जेन्युइन। ये हमारा ना इसके अंदर वो था सेंटर कंसोल का, कंसोल हमारा इसके अंदर से ही निकला है पूरा, देख रहे हो, महिंद्रा जेन्युइन। मैं अभी आपको ना दूसरा कंसोल भी दिखाऊंगा वीडियो में आगे। अब यहाँ बात करें अपनी सीट्स की, तो सीट की ना अपनी खुद की हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ चेकआउट कर लो। सीट्स आपके सामने है, कमेंट करके बताओ आप सीट्स कैसी लग रही है। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बढ़िया है, कर्व भी है, देख रहे हो कितना अंदर है, मतलब अंदर है काफ़ी ज़्यादा। आगे गाड़ी के इस साइड से दिखाने के लिए कार्बन फाइबर क्या लग रहा है यार। और ये हमें बात करें अब हेड यूनिट की, कई लोग सोच रहे होंगे हेड यूनिट फिस हो गया, नहीं मैं हेड यूनिट पास से दिखाने आया था। ये देखो अपना हेड यूनिट एरा जो लगाया हमने प्रॉपर डी बास का, भाई डी बास करना ज़बरदस्त है रिस्पांस। इवन मैंने अपनी गाड़ी में भी यूज़ कर रहा हूँ भाई, एक नंबर है, आँख बंद करके लगा लो, मतलब ये लगा लो। मैंने जब लगवाया ना अपनी गाड़ी में, मुझे सेटिस्फेक्शन इतनी ज़बरदस्त है ना, मैं क्या ही बोलूँ, लगवा सकते डी बास आँख बंद करके लगवाया विजय भैया। चलो यहाँ पे अपनी आ गई है रेयर की सीट, जिसमें कि पीछे भी सेम फैब्रिक होता है और फ्रंट में जो फैब्रिक में आपको कपड़ा मिलता है, और अपना हेड्रेस वहाँ पे रखा हुआ है। तो सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर ऑलमोस्ट आ चुकी है, बहुत जल्दी मैं आप लोगों को इस गाड़ी का पूरा बम्पर टू बम्पर दिखाऊंगा, जिसमें कि पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे रिवील की जाएगी एक साथ, ठीक है। सबसे अच्छा पता क्या लग रहा है, इसके अंदर कार्बन फाइबर वाला वर्क किया, देख रहे हो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बंटी भाई अभी हुई हमारी XUV 300 पूरी तरह से कम्प्लीट। विजय भैया कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा भैया क्या है काम किया है, गाड़ी के अंदर डिटेलें बताओ हमको। भैया इसके अंदर हमने फ्रंट पे लगाया है ये ABS गार्ड। हाँ जी ABS में रहता है पूरा, सही है। फ्रंट हेड को कहीं हद तक सेफ करेगा, बम्पर पे हेट नहीं आएगा, नीचे छोटे मोटे पत्थर इसी पे लग जाएंगे, अच्छा है। उसके बाद लगाया मैंने HID डाली इसके, कौन सी डाली है HID? अपना ये हॉर्सेस कंपनी की है, 55 वाट, 55 वाट, ठीक है, हॉर्सेस कंपनी का, ठीक है भैया। दूसरा चीज जो इस गाड़ी में फ्रंट में हो सकता है, ये बम्पर पूरी चेंज हो सकता है, ठीक। ग्रिल जो है ये लग सकता है, ये ग्रिल लग सकता है, ये दोनों गम्बम पूरा ही चेंज हो सकता है, बम्पर उस कंडीशन में चेंज होगा जिन बाइक को एक DRL लगाना होगा, पूरे DRL लगाना होगा, ठीक है। और इसकी हेडलाइट भी चेंज होगा, टॉप मॉडल पूरी DRL लगाना हो, ठीक बम्पर चेंज होगा, ठीक। फोक लाइट कंपनी से लग के आया था, हमारे पास भी होता है, अवेलेबल होता है, इसका OEM वाला अवेलेबल होता है महिंद्रा का जेन्युइन, ठीक है। मतलब प्राइस वगैरह में डिफरेंस रहेगा कम और होगा चीज़ जेन्युइन पूरी। चलो ठीक है, इसके हम एक दो प्रोडक्ट्स आपको आगे भी दिखा भी देंगे। साइड प्रोफाइल भी क्या काम किया हमने इसमें, साइड प्रोफाइल के अंदर व्हील कैप लगाया है। हाँ ठीक है, बेस मॉडल गाड़ी में बेसिकली, ठीक भैया। इसके अंदर लोड गार्निश लगाया है, डोर वाइजर लगाया है, ठीक है भैया। रेयर प्रोफाइल भी बताइए क्या काम किया है। रियर प्रोफाइल में डिफ्यूजर है, रिफ्लेक्टर लाइट है, डिफ्यूजर देख लो पूरा ABS में भैया, पूरा ABS में, ठीक है। और रिफ्लेक्टर हो गया अपना, कैमरा हो गया, ये कैमरा हो गया, डंपिंग हो गई अंदर, अच्छा पूरी डंपिंग हो रखी है यहाँ देखो। इसके अंदर कंपनी से स्पॉइलर लगाए हैं, ठीक। स्पॉइलर हमारे पास स्पॉइलर प्लस रूफ रेल दोनों होते हैं, स्पॉइलर और रूफ रेल OEM होते हैं हमारे पास, ठीक है। गाड़ी के अंदर चले, गाड़ी के अंदर हम आ गए हैं। सबसे पहले तो गाड़ी के अंदर इतना सन्नाटा हुआ, बाहर तो इतनी हलचल बच रही है मार्केट के अंदर, पूरी डंपिंग है गाड़ी, ठीक। दूसरा पूरी डोर अभी पैक है, शीशा ऊपर है, ठीक। अंदर आपको कुछ बाहर का नॉइज नहीं आएगा, नहीं आएगा नॉइज, डैम्पिंग कर दी, डैम्पिंग से फायदा भी है, एक तो म्यूजिक अच्छा हो जाता है रोड आपको हमिंग बाहर का नहीं आएगा, ठीक है भैया। ये तो हो गई भैया डैम्पिंग हमारी, उसके अलावा हमने क्या है काम किया अभी तसल्ली से बताओ हमें। सबसे पहला चीज हमने लगाया इसके अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल जो कि बिल्कुल न्यू ब्रांड है, आपको अभी भी डब्बा खोल के दिखाऊंगा, ठीक। OEM पूरा भैया, ठीक। दूसरी इसके अंदर हमने लगाया आर्मरेस्ट, भाई ये आर्मरेस्ट भैया ने लगाया, इसकी जो पार्ट लगा जबरदस्त छत पे है ये पूरा भैया, आगे से के पीछे तक का, हाँ जी पूरा ऐसे खुलता भी ऐसे, मतलब बटन दबा के खोल सकते हैं नीचे। OEM मतलब OEM है पूरा,
टॉप मॉडल में जो आता है। अच्छा भैया, उसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ जो पूरा कमाल धमाल की चीज जो है ये है कार्बन फिनिश में, इस पे कार्बन भी आता है और हाइड्रो क्रीम कलर का पार्ट होता है, हाइड्रो डिपिंग पेंट वो भी होता है, दोनों कलर होते हैं। ठीक ठीक ठीक, ये तो कार्बन में है। बाद बाकी जिन भाई को और सेट चाहिए कुछ तो भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है भैया, जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसके फ्रंट में भी हेड यूनिट हमने चेंज किया है, इसके ये पूरे हमने चेंज किया ना भैया? नहीं, हेड यूनिट का जो फ्रेम है ये फ्रेम है, ब्लैक ही रहेंगे, लुक नहीं आएगा। ठीक ठीक ठीक। इसके बाद जो ये साइड वाला बैंड का जो पार्ट ये वाला ये चेंज हुआ है, ये आपके पार्ट चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है, दोनों साइड साइड वाले भी का चेंज हुआ है। चारों दरवाजे का आप देखेंगे तो आपको ये भी साइड कितना प्यारा लग रहा है यार। अच्छा भाई, ये कोई सी भी गाड़ी का मिल जाता है या खाली इसी गाड़ी का मिलता है? ज्यादातर गाड़ी का रेडी होते हैं, बाद में अगर जिन गाड़ी का पार्ट नहीं होता तो गाड़ी के पार्ट निकाल के हम तैयार करा देते हैं। ठीक है। अच्छा भैया, एक चीज और दिख रही है ऊपर, सनग्लास होल्डर, ये भी लगाया भी हमने इसके अंदर, जबरदस्त है ये भी अपना OEM पूरा OEM है, इसको आप लटक जाओ निकलेगा नहीं, या नहीं गिरेगा, गड्ढे वड्डे में भी नहीं खुलेगा। चला लो, ये ओरिजिनल है भैया। बात देखो भैया ना, अभी जो चाइनीज वाला होता है वो गड्ढे वड्डे में अपने आप नीचे आ जाता है। ठीक है। अच्छा भैया, हेड यूनिट कौन सा लगाया आपने? मेगा ऑडियो। अच्छा भैया, एक बार बताओ मेगा ऑडियो डीबस कौन सा? मेगा ऑडियो है इसके अंदर प्रॉपर। ठीक, फर्स्ट ब्रांड है मेगा ऑडियो, उसी का सेकंड ब्रांड है डीबस। ठीक, डंपिंग जो हुआ है वो 3M का बोनर भी डंप हुआ है। हाँ भैया, चारों दरवाजे डिग्गी, जिन भाई को छत फ्लोर कराना हो वो भी हो जाएगा। ठीक। अच्छा भैया, एक चीज बताओ, हेड यूनिट आपने लगा दिया। अच्छा भैया, ये एप्पल कार प्ले वाला है कि विदाउट वाला? नहीं, विदाउट वाला है। ठीक, विद एप्पल कार प्ले मिलता है। बजट के अनुसार देखते हुए काम हुआ है इसके अंदर, कुछ चीजें नहीं लगी है। ठीक ठीक। जैसे साइड ग्लास, ये भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक, OEM टॉप मॉडल की साइड ग्लास, स्विच, सब कुछ हमारे पास, कुछ हमारे पास अवेलेबल है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा अभी एक चीज बताओ, स्टीयरिंग भी अपना स्टिच हुआ है पूरा? स्टीयरिंग स्टिच हुआ है, सीट कवर लगा है, सीट कवर दिखा दो आपको, सीट कवर दिखा दो भैया पहले। ये भैया की सीट कवर ना भैया की जबरदस्त होती है, देख लो पूरी की पूरी, मतलब आपको कहीं पर रिंकल विंकल कुछ नहीं मिलेगा। और भैया हमारी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद की, मतलब खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो वारंटी वगैरह सब मिलती है। आर्मरेस्ट भी बना देते हैं, आर्मरेस्ट सीट पे सेंटर पे ना जी, हेडरेस्ट भी लगा देते हैं, किसी को चाहिए तो बन जाता है, बन जाता है। ठीक है। अभी कंपोनेंट्स कौन से डाले हमने? इन्फिनिटी प्राइमस के कंपोनेंट है, पीछे दरवाजे में कोएक्सल है, कोई एम्पलीफायर नहीं है। ठीक, फिर भी आपको आवाज सुनने को मिल जाएगा, अच्छी आवाज आएगी, मतलब आउटपुट अगर एम्प लगा दे तो और अच्छी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा भैया, ऐसी गाड़ी को पूरा तैयार करने में कितना टाइम लगा था आपको? दो से तीन घंटा आराम से। अच्छा भैया, इसके अंदर इंटीरियर में अभी हम और क्या काम कर सकते हैं टॉप मॉडल वाला? एक तरह से तो देखा जाए तो टॉप मॉडल वाला सब कुछ हो ही गया। ठीक। हाँ, क्या बचा है? एक रियर वाइपर बचा है, एक साइड ग्लास, एक हेडलाइट बचा है, एक फॉग लाइट DRL बचा है। ठीक ठीक ठीक। बाकी तो सब कुछ लगेगा, सब कुछ। इसमें भी रियर वाइपर लग जाता है भैया? हाँ जी, लग जाएगा। अच्छा ये भाई सुन लो, जिन जिन भाइयों को ना अगर अपनी गाड़ी में XUV300 में रेयर में वाइपर चाहिए, वो भैया यहाँ पे लगवा के देंगे, चला के देंगे। स्कॉर्पियो में तो आपने खूब देखा है हमारा ना भैया, स्कॉर्पियो में तो लगाते हैं, बाकी इसमें भी लगाते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी गाड़ियों में लगा दोगे आप? क्रेटा में लगा देंगे, सेल्टोस में लगा देंगे, शिफ्ट में लगा देंगे, ब्रिजा में लगा देंगे, सारी गाड़ियों में लगा रहे हो आप तो। चलो ठीक है, यहाँ भैया ने बताया कौन कौन सी गाड़ियों में लग जाएगा, अब मैं आपको बताओ भैया, क्रेटा, सेल्टोस, शिफ्ट, ब्रिजा, ठीक, कोई भी गाड़ी हो सब में लग जाएगा। अच्छा भैया, नीचे देख पा रहा हूँ 70 mat आपने इसके अंदर डाले हैं, पूरे मैचिंग सीट से हूबहू मैचिंग में डाल रखे हैं। अच्छा भैया, 70 की अभी हमारा अपना खुद का अपने इसकी भी यूनिट हमारा लगा हुआ है, सारे कलर की मैट हमारे पास रेडी होते हैं, जिस कलर का इंटीरियर है उस कलर का मैट मिल जाएगा, मिल जाएगा, टेन हो, फुल ब्लैक हो, ब्लैक रेड हो, जो कलर हो मैट मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो हमारी खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग, तो मतलब सिलवा भी देते हैं किसी को। हाँ जी। अब ये इसके नीचे हमने फ्लोरिंग भी करी है मेरे ख्याल से, स्कोर की तरह हैंड टू हैंड नहीं मिल पाएगा, एक दिन की टाइम देना होगा। अच्छा, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा अभी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ भैया, यहाँ पे इसके नीचे ना आपने पूरी इसको लैमिनेट किया हुआ है, ये देखो ये भाई, ये भैया ने पूरा लैमिनेट करवा रखा फ्लोर, इसके ऊपर पानी भी गिरे, कुछ भी गिरे, अंदर जाता ही नहीं है, सब आप इजी क्लीन कर सकते हैं, कपड़ा या कपड़ा मारो साफ हो जाता है, और नहीं तो फिर पानी होता है ना नीचे बॉडी में जाके जंग लगाता है, जंग लगेगा और कारपेट गीला होने के बाद स्मेल करेगा। चलो भाई, ये तो हो गया पूरा चीज़ें, अब मैं आपको भैया के साथ गाड़ियों का सामान दिखाता हूँ, OEM वाला भैया के पास क्या क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ें अपनी गाड़ी में लगवा। सो हमारे साथ गाड़ी के ओनर है भैया, आपका नाम क्या है? आपका भैया विवेक। तो भैया कैसा लगा काम आपको विजय भैया का? बहुत बढ़िया काम, बढ़िया काम, मतलब वीडियो देखी थी आपने हमारी? मैंने YouTube पे देखा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जैसा आपने देखा वैसा काम मिला आपको?
ठीक है। आपने सेंटर कंसोल भी आपने भैया से चेंज करवाया है पूरा, आपको लग रहा था कि मिल जाएगा कहीं हमारे सेंटर कंसोल? नहीं, मैंने देखा था वीडियो में, देखा था तो आपको तो यकीन था। अच्छा, काम कैसा लगा मुझे बताइए टोटल? काम अच्छा है, बढ़िया है। मतलब आप आए कहाँ से भैया? मैं वैसे तो बेसिकली एटा से हूँ। ठीक है, गाजियाबाद। तो भैया काम कैसा लगा भैया का आपको? सेटिस्फेक्शन मिली? बहुत अच्छा है, बढ़िया है। सीट को कैसा लगा भैया आपको? सीट कवर कैसा लगा? सीट कवर अच्छा। जो मैंने आपको ये कार्बन फिनिश में जो ये पार्ट लगाया मैंने चेंज किया, ये उस टाइम पे तो बहुत अच्छा है। ये अच्छा, ये सोच के नहीं आया, मुझे यूनिक लगी ये चीज, यूनिक लगी, पसंद भी आया आपको भैया? चलो, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कुछ जबरदस्ती उन्होंने लगा दिया, मतलब आपने अपने मन से बढ़िया से काम करवा लिया। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा? जो आपकी वीडियो भी, आपकी वीडियो देख के ना कई लोग आने वाले हैं, जैसे आप आए हैं वैसे कोई और भी आएंगे। दो गाड़ी ली थी, ठीक, एक गाड़ी लेके आए, हाँ, एक अभी आएगी, आएगी तो अभी इसका काम अच्छा लगा तो वो भी आएगी, मतलब भी लेके आएंगे। चलो, मतलब और जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उनको क्या बोलोगे आप? बढ़िया है, मतलब टोटल ओवरऑल। चलो भैया, थैंक यू सो मच। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आपको बहुत सारी एक्सेसरीज दिखाएंगे अपनी महिंद्रा जेन्युइन। आइए, तो मुझे भी क्या दिखाने वाले हो हमें? मैंने गाड़ी पे तो सर्जरी लगा हुआ दिखा दिया, ठीक, जो भैया ने नहीं लगवाए हाँ, तो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या चीज है भैया? ये है हमारा साइड मिरर, ऑटो फोल्डिंग साइड मिरर, ठीक है, जो कि महिंद्रा जेन्युइन। देख लो, यहाँ मोटर वोटर लगती है, ये बारकोड वगैरह है इसके प्रॉपर, ठीक है भैया, ठीक है। ये महिंद्रा जेन्युइन ब्लैक कलर में है, इंडिकेटर आपको इसी में मिलता है, ऑटो फोल्डिंग वगैरह पूरी है, ठीक है। ये पूरा महिंद्रा जेन्युइन है, भैया ने इस बॉक्स से भी निकाला है इसको, पूरा सील्ड है, एकदम बढ़िया। गाड़ी पे नहीं लगा, थोड़ा भैया का बजट का इशू था, दूसरे चक्कर में लगेगा इसलिए, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये वाला बजट है, बजट के चक्कर में लगाया गाड़ी में, अदरवाइज ये भी चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि कई लोग जो है वीडियोज देखते हैं उनका बजट अच्छा भी होता है तो करवाते भी, इनका नहीं है तो कहीं कराते। चलो, नेक्स्ट चीज़ भैया यहाँ पे खोल रहे हैं, छोटा सा बॉक्स, ये क्या चीज़ है भैया? छोटा सा, भैया ने खोल दिया, छोटा सा पीस, ओहो, ये है इसकी स्विच। अब इसके अंदर अंतर क्या है, ये हर गाड़ी है, बेस से बेस मॉडल में ही लगा हुआ आता है, ठीक, सेट करने के लिए, क्योंकि इसमें डंडी नहीं होता, कांच जो आपका सेट होगा वो यहीं से होगा लेफ्ट राइट, ठीक, दिखाना भैया, ये साइड मिरर को एडजस्ट करने के लिए। ये अभी हर मॉडल में होता है, बेस से बेस मॉडल में भी होता है, ठीक, ठीक है। और इसके अंदर ये फर्क है, ये फोल्डिंग का, अच्छा, ये फोल्डिंग वाला, ये डमी होता है, इसके एरो के निशान नहीं बना होगा, लेफ्ट राइट का, तो आप कह रहे ये तो अवेलेबल होगा, जाम होगा, जाम होगा, लॉक डमी होगी, डमी होगा, ठीक है, ये तो वर्किंग होगा आपका, लेकिन ये डमी होगी, तो ये हमें प्रॉपर आपको जेन्युइन मिल जाएगी महिंद्रा, ये फोल्ड करने के लिए, ठीक है। देख लो, ये पूरे प्रॉपर महिंद्रा जेन्युइन है, भैया ने ये भी सील से दिखाया बॉक्स में से। अब भैया नेक्स्ट आइटम क्या दिखा रहे हो हमें? ये काफ़ी बढ़िया बढ़िया आइटम है, महिंद्रा की बॉक्स में दिख रही है आपको, ये ऐसे ही आती है पूरी सील्ड, देखो भैया खोल रहे हैं, और इसमें ना टेप भी महिंद्रा की लगी रहती है, देख रहे हो ये टेप लगी हुई है, जो ये टेप भी पूरी महिंद्रा की होती है इसमें, ये चीज़ अपनी निकलेगी। अब ये फ्रंट की ग्रिल भैया? ये फ्रंट की ग्रिल है, ये देख लो भाइयों, अच्छा ये टॉप मॉडल वाली ग्रिल, क्रोम वाली, भैया सीधी करके दिखा दो एक बार, देख लो भाइयों अपनी ग्रिल टॉप मॉडल वाली, क्या ज़बरदस्त लुक दे रही है, मैं पास से दिखा देता हूँ, पूरी ब्रांड न्यू है एकदम, OEM जो टॉप मॉडल में आती है वही है ये, हाँ लिखा था डब्बा सामने रखा है, ये देखो महिंद्रा, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, ये पूरी प्रॉपर महिंद्रा जेन्युइन है, कोई इसमें दोराही नहीं है कि ये कि अब को दिखा कुछ रहा लगा कुछ रहा, पूरी जेन्युइनिटी है इसके अंदर। ये अब भैया ने जब एक बड़ा सा बॉक्स खोला है, शायद ये हेडलैम्प्स है, लेट्स सी, हाँ ये हेडलैम्प्स ही हैं, टॉप मॉडल के हेडलैम्प आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ये इसका प्रोजेक्टर हाई, इसका वो इंडिकेटर, ये DRL भी है, DRL भी है, DRL भी इसके अंदर पूरा मिलता है भैया, पीछे से बैजिंग भी दिखाओ मैं एक बार, अरे कपलर टू कपलर फिटिंग होगा, ये देख लो, कभी हेडलाइट उतारना पड़े तो आपको कोई तार काटनी नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं काटना, कुछ नहीं करना, सीधा कपलर टू कपलर फिट जाएगा, ये देखो ये रहा महिंद्रा जेन्युइन, ठीक है। तो भैया एक ही हेडलैम्प है कि सारी गाड़ियों की हेडलैम्प मिल जाती है, कोई सी भी सारी मिल जाती है, ये क्या चीज़ है? फॉग लैम्प्स, जो नीचे भैया
ये महिंद्रा जेन्युइन है, ये देख लो जबरदस्त, सारा ही सामान रखा भी आपके पास तो सारा कुछ। ये लो भाई W4 लो, W8 बना के ले जाओ। तो ये सारा सामान है इस गाड़ी पे नहीं लगा वो है वो आइटम दिखा रहा है। इसके अलावा एक चीज है ये aftermarket DRL aftermarket जो भाई हेडलाइट नीचे निकालते हैं DRL नहीं लगाते तो नीचे नीचे भी ये लग सकता है। ये भी लग सकता है देख लो, पूरा ग्लॉस ब्लैक में है जबरदस्त, बोलो अच्छा है आइटम। ये आफ्टर मार्केट है, ये आफ्टर मार्केट है, ये जेन्युइन है। जो आपको चाहिए आपको सारा सामान मिल जाएगा, चाहे तो OEM चीज आप तो आफ्टर मार्केट में चाहिए आपको आना है किसल कार केयर करोलबाग, सारा सामान आपके यहाँ पे मिल जाएगा OEM। अच्छा मुझे भी एक बार बताओ, आपने इतना सारा सामान दिखा दिया ठीक है, अब हमारे ना जो व्यूअर है ना वो सुनना चाहते हैं कि आपके पास ऐसा सामान कौन कौन सी गाड़ियों का है। स्विफ्ट का है, डिजायर का है, ब्रीजा का है, अपना 100 का है, 100 का है, इसके बाद अपना क्या कहते हैं स्कॉर्पियो का है, सोनेट का है, वैनो का है, किया सल्टोस का है, तो ये सारी गाड़ी का और भी गाड़ी है जिनके पार्ट मिल जाते हैं, मतलब एक तरह से सारी गाड़ियों के मिल रहे हैं, कुछ छोटी नहीं रहे। चलो मैं तो आपको भाई यही बोलूँगा आपके पास कोई सी भी गाड़ी हो, थार हो, स्कॉर्पियो कोई भी हो, आप थार का ही मिल जाएगा, लोग आपको भैया से एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करना है इन सारी एक्सेसरीज के बारे में ज़्यादा जानने के। सो अगर आपको अपनी गाड़ी में कुछ इस तरीके से काम कराना है तो आप आ सकते हैं किसल कार केयर करोलबाग न्यू दिल्ली, स्क्रीन पे नंबर होगा, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, जल्दी जल्दी जरूर सारी चीज़ें बता दिए ठीक है। एडवांस आप आओ, हम भी मिलेंगे आपको, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।